अब हम बात करने वाले हैं नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड नेमिंग ऑफ कीटोन। कौन बड़ा ग्रुप है? एल्डिहाइड। वेरी गुड। तो हेडिंग क्या डालनी चाहिए? नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। तो जल्दी से नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड पे वर्क करते हैं। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एल्डिहाइड ग्रुप है क्या, फंक्शन ग्रुप कैसा दिखेगा आपको। आर यानी कोई भी अल्काइल अटैच होगा, ओ और एक तरफ एच। तो यहां पर इस जगह आर भी हो सकता है, एच भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताएं, अगर इससे बड़ा कोई ग्रुप है तो ये क्या कहलाएगा? प्रेफिक्स। और प्रेफिक्स इसका क्या नाम होगा? आर सी अगर एच ओ है तो हम इसको बोलेंगे फॉर्माइल या फॉर्मिल, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो साइड चेन बनती है वो बहुत बड़ी बनती है, और कई बार ऐसा होता है कि बस इतना सा ये साइड चेन बनता है। समझ में आ रहा है? तो अगर इतना सा बन रहा है और कार्बन को अपन काउंट नहीं करना चाह रहे, नंबरिंग नहीं देना चाह रहे, तो पूरा साइड चेन की नंबरिंग नहीं करना चाह रहे, तो ये पूरा अपने आप में क्या बन जाएगा? फॉर्माइल। लेकिन कभी ऐसा हो गया साइड चेन बनते वक्त, अब एक दो तीन चार, इसको फॉर्माइल तो नहीं बोल सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4, इसको भी नंबरिंग कर रहे हैं इस कार्बन को, तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सो। क्या बोलेंगे? ऑक्सो, ठीक है ना। तो कब ऑक्सो बोलना है, कब फॉर्माइल बोलना है, ये एक और बात है। यानी अगर हमें फॉर्माइल बोलना है तो ठीक है, नहीं तो ऑक्सो बोलना है तो 1 ऑक्सो मिथाइल बोलना पड़ेगा फिर, 1 ऑक्सो मिथाइल, अजीब सा लगेगा वो। तो फॉर्माइल अच्छा लगता है एक कार्बन पे। तो अब बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स यानी इससे बड़ा कोई भगवान उपस्थित नहीं है। तो आप क्या सोचोगे इस कंडीशन में? अब एल यूज करेंगे, एल्केनल, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? एल्केनल, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कई बार ऐसा हो रहा है कि चेन बहुत साइक्लिक कंपाउंड है और कार्बन हमारा काउंट नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। तो एल्केन कार्बेल्डिहाइड हो गया इसको। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना है, लेकिन सही परीक्षा तो एग्जाम्पल के साथ ही होगी। तो ये हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल में। आप खुद देखिए इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेनेल। हाँ या ना? इसको क्या बोलेंगे आप? ब्यूटेनेल। अच्छा, एक और एग्जाम्पल बढ़ा देते हैं। अब क्या बोलेंगे इसको? नंबरिंग कहां से होगी? एल्कीन की तरफ से या एल्डिहाइड की तरफ से? यहां से। तो 1 2 3 4, क्या बोला जाएगा इसको? 2 ब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूटेनेल। अच्छे से समझ में आ रहा है? ब्यूटे, अच्छा इन भी है, तो ब्यूटेन 3 इन नेल। देखो यहां पर हमारे आ रहा है 2 ब्रोमो, 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन 1 2 3। हाँ अब तो सही है, तो ब्यूट 3 इन एल। वेरी गुड। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, सी एच ओ, और यहां हमारे पास आ गया, तो हम क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोहेक्स। नंबरिंग यहां से होगी 1 2 2 इन, साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बेल्डिहाइड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम,
क्या किया जाए यहां पर? देखिए ये बड़ा फंक्शन ग्रुप है, ये छोटा है, तो इसका क्या आएगा? प्रेफिक्स, सही है। तो नंबरिंग यहां से 1 2 3, क्या इसको नंबर दे पा रहे हो आप? हाँ, 4। तो अब ऑक्सो यूज करोगे या फॉर्माइल? ऑक्सो। तो क्या रहेगा यहां पर आपके लिए? 4 ऑक्सो ब्यूट ब्यूटेन ब्यूटेनोइक एसिड। फोर ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड इजीली बन गया। एक और एग्जांपल करते हैं हम। COOH और CHO, और यहां पर कुछ इस तरह से। नंबरिंग कहां से की जाए इसमें? 1 2 3 4 5 6। COOH से एल्कीन की तरफ। अब यहां पर हमारे को क्या सोचना है? देखिए 6 फॉर्माइल, 6 फॉर्माइल, बाकी कोई ज्यादा खास ऐसा नहीं है। साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स कौन से पे इन है? 2 पे या 3 पे? 3 इन। आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एग्जाम्पल नंबर आपके पास क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। क्या आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए कि कब मैं ऑक्सो यूज कर रहा हूं, कब मैं फॉर्माइल यूज कर रहा हूं? वेरी गुड। हाँ, इसी को और ज्यादा अच्छे से और एग्जाम्पल लिया जा सकता है। अब क्या यूज करेंगे, क्या होगा इसका नाम? देखो दोस्तों, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। कौन सा ग्रुप बड़ा है? एल्डिहाइड। क्या दोनों एल्डिहाइड है? नहीं। क्या दोनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप है? हाँ, सही है। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5, 1 और जो भी है 4, ऑक्सो? नहीं, क्योंकि ऑक्सो उसका कौन सा नेम है? प्रेफिक्स। तो कुल मिला के इस जगह ऑक्सो यूज नहीं करेंगे दोनों जगह, लेकिन एक जगह तो यूज करेंगे। कौन सा वाला करेंगे? कीटोन वाला, ये वाला, यानी 1 2 3 4 5। तो क्या आंसर होगा इसका? 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो। कहां तक पहुंचे हो आप? 5 तक, यानी पेंटेन नेल। पेंटेनल, और तो कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं है। 4 पे ऑक्सो है, 1 2 3 4 5। हाँ, नंबरिंग एक बार और चेक कर लेना। आ रही है बात समझ में? क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि एल्डिहाइड सीनियर ग्रुप है और कीटोन जूनियर है। तो क्या इसका मतलब प्रेफिक्स नाम है वो दोनों के लिए ऑक्सो होगा? हाँ, दोनों के लिए होगा, एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी, क्योंकि ये तो सिर्फ डबल बॉन्ड ओ की पोजीशन बताता है। तो इसको हमने क्या यूज किया? एल्डिहाइड के लिए भी करेंगे और आगे कीटोन के लिए भी करेंगे। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। तो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं अपन। पहले ये लिख लीजिए आप। शुरू करते हैं इन सभी के लिए नेमिंग। ओके, साउंड चेक। नंबर 1, हमारे पास ये बेंजीन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बेंजीन कार बेन बेंजेल्डिहाइड। सबसे अच्छा तो है बेंजेल्डिहाइड ही बोल दीजिए आप, बेंजेल डी हाइड, या फिर बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अरे ये बात समझ में? इस जगह मुझे कौन बड़ा फंक्शन ग्रुप दिख रहा है? पहले तो ये देखो, दो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? दो हैं यहां पर, एक तो ये है एसिड हैलाइड और एक ये है, क्या कहलाएगा ये? कीटोन। देखा जाए तो कीटोन, दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं। तो मैं कैसे नंबरिंग करूंगा? नंबरिंग क्या इसको कर पा रहा हूं? हाँ, तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा यहां से 1 2 3। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे देखते हैं, एल्काइल हैलाइड को?
जब भी हमारे को याद करना पड़ेगा पुराना वाला सिस्टम, हमारे को जब भी इस तरह का कोई नेम होता था तो हम कैसे बोलते थे, क्लोरीन को पहले बोलते थे क्लोरो, और इसको क्या बोलते थे, एक दो क्या बोलते थे, इथेन, आगे क्या लगाते थे, इथेनोएट। तो इससे पता चल जाता था कि ये एसिड हैलाइड है, पक्का। तो यहां पर भी हमारे पास कुछ ऐसा ही नाम आ रहा है, तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला क्लोरीन सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, तो आपने इसका नाम लिख लिया क्लोरीन, क्लोरीन, और कॉमा लगा दिया। ये कॉमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई तेरा गया काम, या डैश लगा दो, ठीक है, क्लोरीन। अब बताओ क्या लिखोगे, टू ऑक्सो, टू ऑक्सो, इसकी जरूरत भी नहीं, टू ऑक्सो के बाद या तो यहां पर डैश लगा दो या कॉमा लगा दो, बात एक ही है। तो कॉमा लगाओगे तो डैश मत लगाओ, डैश लगाओ तो फिर कॉमा मत लगाओ। कॉमा लगा दिया मैंने, टू ऑक्सो प्रोपे नोएट, नोएट या प्रोपे नोएल, प्रोपे नोएल, प्रोपे नोएल, एनओ वाई एल। ओएट कब आता है, एस्टर के केस में, क्या क्लोरीन, अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्लोरो, क्लोरो सही कह रहे हैं, क्लोरीन तो अपन यूज ही नहीं करते, तो क्लोरो टू ऑक्सो प्रोपे नोएल। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इस कंपाउंड्स को, देखो इसमें सबसे बड़ा ग्रुप ही कौन सा है, सी एच ओ। तो अब आपके पास क्या होता है, नंबर वन तो यही हो गया, नंबरिंग अगर आप करोगे तो वन पे तो यही आ गया, टू पे यहाँ आ गया, थ्री पे यहाँ जाते हैं तो दो लोकेंड मिलते हैं, और यहाँ जाते हैं तो एक लोकेंड मिलता है। तो किस तरफ जाना चाहिए अपन को, ऊपर, बड़ी चेन ली, तीन से ज्यादा आएंगे नहीं। तो अब क्या हो जाएगा इसके लिए, ये आ जाएगा टू पर, देखा जाए तो अपने पास आ जाएगा, इसका नाम अगर देना पड़ा है हमें तो टू क्लोरोमिथाइल। आप चाहें तो इस क्लोरोमिथाइल को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, टू क्लोरोमिथाइल थ्री कॉमा थ्री डाई फिनाइल, थ्री कॉमा थ्री डाई फिनाइल, आ रही है बात समझ में। अब आगे क्या सोचोगे आप, थ्री कॉमा थ्री डाई फिनाइल, तीन ही कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, प्रोपे नेल, प्रो पेन नेल, आ रही है बात समझ में, प्रोपेन नेल। इसका नाम देखते हैं, ये थोड़ा सा मैंने ट्रिकी बनाने की कोशिश किया, यहां नंबर वन आ गया, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाने, इनको प्रायोरिटी दें या सी एच ओ को, फंक्शन ग्रुप को, क्योंकि ये यहां पर फंक्शन ग्रुप ही है, थ्री फोर फाइव सिक्स, बिल्कुल सही पकड़ा। तब आप इसका नाम क्या दे पाएंगे, साइक्लो, साइक्लोहेक्स, आगे फाइव इन, आगे वन कॉमा थ्री, वन कॉमा थ्री डाई कार्बेल्डिहाइड, 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 आ रही है बात, हाँ बोलो बेटा, ये वाले से करते, बिल्कुल सही है। एक बार इसको भी देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव, यहां से करते हैं वन टू थ्री फोर, अभी किस पे आ रहा है हमारे लिए, फाइव, अभी हमारे लिए दिक्कत आ रही है, तो हम इसको यहां से करते हैं तो हमारे लिए इनकी पोजीशन और पास हो जाएगी, वन टू थ्री फोर, जबकि यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव, फायदा हो गया अपन को, तो ये यहां पर घुमा दिया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा हमारे लिए कि ये पोजीशन क्या हो जाएगी, फोर, और हमारी नंबरिंग ये गलत है, सही हमारे पास क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बिल्कुल सही गेन कर रहे हैं, आ रही है बात, ध्यान रखो हर चीज का। अब नेक्स्ट, यहां पर वन टू, यहां तो मेरे ख्याल से आइडेंटिकल पोजीशन आ रही है दोनों ही तरफ से, तो क्या नाम आना चाहिए, वन टू थ्री,
टू ब्रोमो, टू ब्रोमो प्रोपेन वन कॉमा थ्री, या अपन को लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा लास्ट और फर्स्ट पे होगा, प्रोपेन डाइल, प्रोपेन डाइल। तो यहां तो अपन को ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है। सिक्स फिफ्थ हो गया, सिक्स को देखते हैं कौन बड़ा ग्रुप है, एस्टर या एल्डिहाइड। एस्टर, तो यहां क्या नाम आ सकता है, इथाइल, ये तो पहले ही बुक कर दिया अपन ने, इथाइल। नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, साइक्लोहेक्स, फिर यहां पर इथाइल के बाद फोर साइक्लो, फोर पे क्या आएगा फॉर्माइल, फोर फॉर्माइल, साइक्लो हैक्स, कोई ईन नहीं दिख रहा तो साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, पक्का, बिल्कुल पक्का, पक्का वाला पक्का। अब क्या करा जाए यार, नंबरिंग कहां से करी जाए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर दोनों तरफ से सेम है, क्या किया जाए, इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे हम, वन टू थ्री इधर ही से होगा और कहीं से होगा नहीं क्योंकि जहां से अटैच, अगर ये डबल बोन यहां होता तब भी यहीं से करते हम, क्या लग रहा है इसका नाम क्या होगा, फोर टू ऑक्सो, ब्रैकेट ही बना दो अब तो, टू ऑक्सो प्रोपाइल, बिल्कुल सही जा रहे हो, ब्रैकेट क्लोज, हैप हैप्टेन डाइओइक एसिड, हैप्टेन डाइओइक एसिड, बिल्कुल सही है। इसकी क्या करा जाए, इसकी नंबरिंग वन टू थ्री, क्या ये सही है, वन टू थ्री प्रॉप पेन वन कॉमा टू कॉमा थ्री ट्राई कार्बेल डीहाइड, बस सही है, आ गई बात अच्छे से, चलिए ठीक, लिख लीजिए इन सबको। देखिए इस एग्जाम्पल में आप यहां ज्यादा अच्छा है प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, टू ऑक्सो प्रोपेन ऑयल क्लोराइड लास्ट में, क्लोरो जनरली अपन पहले तब लिखते हैं जब प्रेफिक्स होता है, और वो भी इस तरह से कि क्लोरो पहले लिखेंगे फिर उसके बाद कार्बोनाइल, सही जा रहे हैं, सेकेंड एग्जाम्पल को सही करें, टू ऑक्सो प्रोपेनॉइल क्लोराइड, हाँ या ना, खत्म, चलिए ठीक।